जमीन पर बैठे ये शख्स कोई आम इंसान नहीं है, ये है पीलीभीत के एसडीएम राजेश शुक्ला। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इस तरह जमीन पर बैठकर लोगों के साथ बातचीत क्यों कर रहे हैं। भाई बड़े अफसर हैं, कुर्सी पर भी तो बैठ सकते थे। जी हाँ, कुर्सी पर तो बैठ सकते थे, मगर महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव को देखकर एसडीएम साहब ने जो कदम उठाया वो सबके लिए मिसाल बन गया है। पीलीभीत में कोटा चयन की एक बैठक के दौरान महिलाओं को जमीन पर बैठने और पुरुषों के लिए कुर्सी का इंतजाम किया गया था। इसे देखकर एसडीएम साहब नाराज हो गए। नाराजगी ऐसी रही कि उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी। इसके बाद वो वहीं दरी पर आम लोगों की तरह बैठ गए। वहीं संबंधित अधिकारी को पत्र लिखकर एसडीएम ने चेतावनी भी दे डाली। एसडीएम ने इस पूरे मामले में खंड विकास अधिकारी को पत्र भेजकर हिदायत दी है कि आगे से बैठकों में ऐसा भेदभाव ना किया जाए। अब ये मामला सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये पूरा किस्सा पूरनपुर तहसील क्षेत्र के हरिपुर कला गांव का है। यहां कोटा चयन की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में शामिल होने के लिए पूरनपुर तहसील के एसडीएम राजेश शुक्ला भी पहुंचे थे। एसडीएम साहब जब बैठक में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पुरुषों के बैठने के लिए कुर्सियां डाली गई हैं, वहीं महिलाओं के लिए जमीन पर दरी बिछाई गई है। एसडीएम साहब ने जब महिलाओं को जमीन पर बैठे देखा तो वो नाराज हुए। इतना ही नहीं, खुद भी कुर्सी छोड़कर सबके साथ जमीन पर बैठ गए। एसडीएम साहब को जमीन पर महिलाओं के साथ बैठा देखकर अन्य पुरुष भी जमीन पर ही बैठे। इस दौरान कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। कोटा चयन की बैठक संपन्न होने के बाद एसडीएम राजेश शुक्ला ने पूरनपुर के खंड विकास अधिकारी को पत्र जारी करते हुए शासकीय बैठक एवं कार्यक्रमों में महिलाओं के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था व सम्मान दिए जाने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम ने लेटर जारी कर ये निर्देश दिए हैं कि अगर कहीं कुर्सी की व्यवस्था नहीं होती है तो सभी के लिए जमीन पर बैठने की व्यवस्था की जाए। हालांकि यूपी सरकार के प्रशासनिक अधिकारी राजेश शुक्ला की जमीन पर बैठने की ये तस्वीरें अब तेजी के साथ वायरल हो रही हैं और लोग इस वीडियो की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं।